हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल फारी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने बोला था ना आज आपको कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं पहुँच चुकी हूँ जी कृषि विज्ञान केंद्र सोलन यानी कंडाघाट में। तो यहाँ पर हमारे को इन्होंने पहले तो रजिस्ट्रेशन हुई यहाँ और फिर हमारे को ये बुकलेट दी हुई है। तो देखो मैं थोड़े थोड़े मैं आपको बता दूं कि ये देखो क्या क्या हमारे को इन्होंने जानकारी देनी, तो इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, पर अभी ये देखो ये दी इन्होंने हमारे को जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए कि और पढ़ने और समझने के लिए। और यहाँ लगभग काफ़ी किसान आए हुए और कुछ तो एक अभी आने भी लगे हुए बाकी पीछे से। और तो ये देखो अब देखते हैं आगे कि क्या किसके बारे में बताएंगे और क्या बताएंगे, तो मैं आपके साथ सब सारी की सारी बातें शेयर करूँगी। तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने ना मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये देखो जी रोहित शर्मा जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे जो आ रहा है ना वही मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और अब हमारे को ये डॉक्टर सीमा जी ये बहुत ही अच्छे मतलब जानकारी देते हैं और किसानों के साथ बिल्कुल साथ जुड़े हुए। तो जितना रोड से रेलवे से कनेक्टेड होगा तो उस जगह की वैल्यू ज्यादा होती है और उस जगह पर आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, मैन पावर और पावर। मैन पावर मतलब जो उस बिजनेस से संबंधित कोई भी हमारे को स्किल्ड लेबर चाहिए, उस तरह के मशीन ऑपरेटर्स जो है रेडी। मैसेज भी सर्कुलेट नहीं किया होगा और मैंने इतना लोगों को बताया भी नहीं इस बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, और उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने सारी संख्या में आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे। ये दर्शाता है कि आप में एक आपने पहली सीढ़ी अपनी जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पार कर ली है और आपने सही कॉन्टेक्ट ढूंढा है, सही एजेंसी के साथ आप लिंक अप हुए हैं। आगे यही एजेंसी आपको हर तरह से हेल्प करेगी। अब आपके पास जो ब्रोशर है उसमें सभी ये नंबर है, अभय जी का नंबर है, अभय जी सोलन सिरमौर और तो ये है डॉक्टर सीमा जी मतलब देख रहे हैं। आपको जो भी आज समझ में ना आया हो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में रहे होंगे तो आपके जब आप घर जाएंगे तब भी आप दिमाग में सोचेंगे, तो आप इनसे उस वक्त भी पूछ सकते हैं और कैसे आपने आगे इस प्रोजेक्ट को बनाना है उसके बारे में भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है कृपया रजिस्ट्रेशन करके ही जाएं, क्योंकि इसी से आपका रिकॉर्ड आगे एबीपीएफ के साथ साथ आप जुड़ पाएंगे। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन किए चलेंगे तो आपका नंबर जो है इनके साथ नहीं लिंक अप हो पाएगा, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर करें। एक फोटोग्राफ हम टेरेस पे लेंगे, उसके बाद आप सभी प्रीति